हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलिएगा। सो चलिए बेबी ओ रेंज के बारे में बात करें हम। और राइट गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सारे बेबी ओ के रेंज या बेबी जीरो के रेंज के बारे में, क्योंकि इस रेंज के लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और लाइक ऑलमोस्ट बहुत सालों के बाद में ये प्रोडक्ट या ये कैटेगरी हमारे पास में आए, तो आज हम इसके बारे में बात करें। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे इसके प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। नहीं, आई थिंक मैंने इसमें चार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और मैंने इसमें से सिर्फ तीन लिया है। ओके, सो हम ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेबी ओ कैटेगरी के बारे में बात करते हैं या बेबी जीरो कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। सो ये जो रेंज है ये कहता है ये एलर्जी टेस्टेड है, यानी आप बच्चे को आप जब इसको यूज़ करेंगे या उनको जब भी आप लगाएंगे किसी भी तरह का एलर्जी नहीं होगा। दूसरा बेस्ट पार्ट ये है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यस, तो आपके बच्चों के लिए ये सेफ है। तीसरा बेस्ट पार्ट है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सुटेबल है, क्योंकि बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज ऐसे होते हैं उनको हर एक प्रोडक्ट सूट नहीं होता, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। फ्रेग्रेंस फ्री है, यस, फ्रेग्रेंस फ्री इसलिए प्रोडक्ट बेस्ट होता है जस्ट बिकॉज उसके अंदर अल्कोहल नहीं होता है और फ्रेग्रेंस की वजह से बहुत सारे बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही सॉफ्ट होती है उनकी स्किन, तो उनकी स्किन में किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये गाइस, ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये पैराबेन फ्री है, यानी पैराबेन इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। फिनोजाइथेलॉन इसके अंदर नहीं है, फॉर्मल डिहाइड इसके अंदर नहीं है, फॉर्मल डिहाइड रिलीजर्स इसके अंदर नहीं है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, क्या आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिनोजाइथेलॉन एंड फॉर्मल डिहाइड रिलीजर, ये दो जो आप इंग्रेडिएंट देख रहे हैं बेसिकली ये एक प्रिजर्वेटिव है। सो ये स्किन केयर या कॉस्मेटिक के रेंज में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली ये काम क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट है उसमें बैक्टीरिया ना उसमें आ पाए, इसकी वजह से वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए ये दो प्रिजर्वेटिव इसमें डाला जाता है। सो बेबी केयर का रेंज है तो इसकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये दो प्रिजर्वेटिव बच्चों के लिए हार्मफुल भी है, राइट। सम टाइम अगर बच्चे गलती से इसको सॉलो करें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और इस तरह का प्रिजर्वेटिव बेबी ओ रेंज में बिल्कुल भी नहीं है। सो सबसे बेस्ट पार्ट इसका तो ये है कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, सो आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट आया है। ऑलराइट गाइस, सो अब हम इसके हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो आप अगर देखेंगे इसमें मेरे पास तीन प्रोडक्ट मैंने लिया है। सो पहला तो मैंने लिया है बॉडी ऑयल लिया हुआ है, उसके बाद में हेयर एंड बॉडी वॉश है, और थर्ड जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो मल्टीपर्पज़ बाम हाथ में है, वो है मल्टीपर्पज़ बाम। सो सबसे बेस्ट पार्ट ये कि गाइस, ये पूरी की पूरी बेबी ओ जो रेंज आप देख रहे हैं वो 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है। अब इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है स्विडिश ओट ऑयल। यस गाइस, जैसे कि स्विडिश ओट्स ऑयल के बारे में आप जानते होंगे कि वो आपके स्किन को नरिश करने के लिए हेल्प करता है, आपके स्किन को सूद करने के लिए हेल्प करता है। सो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनकी स्किन ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। सो ये स्विडिश ओट ऑयल उस चीज़ के लिए काम करेगा। अब इस मल्टीपर्पज़ बाम में जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो है लिपिड लामेलर टेक्नोलॉजी। पहला स्विडिश ओट ऑयल, सेकेंड है लिपिड लामेलर टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। जो लिपिड लामेलर टेक्नोलॉजी है ये आपने सुना होगा, ये जनरली हेयर स्पा के कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, लामेलर हेयर स्पा होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये करता क्या है, ये जहाँ जहाँ आपके फेस पे या आपके बॉडी पे जहाँ पे भी आपको ड्राइनेस होता है उस ड्राइनेस को वो लॉक कर देता है, उसको मॉइस्चराइज करता है वो सारे एरिया को, और आपकी स्किन नरिश्ड हो जाती है। तो लामेलर इस तरीके से काम करता है, तो बच्चों की स्किन ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उनका स्किन लेयर बहुत ही पतला होता है, तो ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ओट ऑयल एंड लामेलर टेक्नोलॉजी आपके बच्चों के स्किन को सॉफ्ट और नरिश रखने के लिए काम करेगा। सेकंड जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है वो बेबी ऑयल
बेबी ओ कैटेगरी से बॉडी ऑयल है। सो अगेन इसके अंदर स्विदिश ओट ऑयल है और इसके अंदर सीड ऑयल कॉम्प्लेक्स है जो बच्चों की स्किन का जो लिपिड है उसको इंटैक्ट रखने के लिए काम करेगा और एक बैरियर के जैसे काम करेगा कि उनका जो मॉइस्चर है या लिपिड है वो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए, लंबे टाइम तक उनकी स्किन नरिश और मॉइस्चराइज रहे, उनका लिपिड बरकरार रहे। ओके एंड थर्ड अगर मैं देखूँ मेरे पास में है हेयर एंड बॉडी वॉश। यस, ये जो प्रोडक्ट है गाइस ये बच्चों के पूरे बॉडी को वॉश करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके हेयर को भी वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी स्विदिश ओट है और सबसे बेस्ट पार्ट है ये टियर फ्री है। सो लाइक बच्चों को जो हार्मफुल केमिकल्स से कैसे होता है कि आंखों में इरिटेशन होता है और आंसू बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है समटाइम बच्चों को, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये टियर फ्री है सो आप बच्चों को ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर और आया है जो मैंने नहीं लिया है, मेरे पास नहीं है वो वाला प्रोडक्ट, उसका नाम मैं बता दूँ आपको। यस, बम बम क्लेंजिंग मिल्क। सुनने में बहुत ही फनी सा लग रहा है पर गाइस ये वाला जो इंग्रेडिएंट अगर प्रोडक्ट आप देखेंगे इसके अंदर स्विदिश ओट ऑयल है और ऑयल बेस्ड कुकनी क्लेंजिंग सिस्टम है। अब ये इस्तेमाल कहाँ करना है, जब आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो डायपर पहनाने के पहले आप वो पूरे एरिया को क्लीन करते हैं अच्छे से। सो डायपर एरिया को क्लीन करने के लिए जनरली लेडीज़ क्या करती हैं, कोई भी वेट टिश्यू होता है उसका इस्तेमाल करती है। अब क्या होता है जब आप बार बार कोई वेट टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों का जो लिपिड है बहुत जल्दी से निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर पाउडर लगा देते हैं। तो कोई भी टैल्कम लगाने से क्या हो जाता है कि एक तो उनका स्किन बार बार पानी से वॉश करते करते वो निकल जाता है क्योंकि बहुत ही पतली लेयर होती है उनकी स्किन की। अब उसके ऊपर जब आप टैल्क लगाते हैं वो और ज़्यादा जो भी लिपिड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सारा एरिया ड्राई हो जाता है। ठीक है, सो आपको वो एरिया को नरिश और मॉइस्चराइज रखने के लिए ये बम बम क्लेंजिंग मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये उस एरिया को मॉइस्चराइज और नरिश रखने के लिए काम करेगा और वो एरिया को ड्राई नहीं होने देगा और जब आप डायपर पहनाएंगे किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं होगा उससे। ऑलराइट, सो ये चार प्रोडक्ट इस बार इस रेंज में आपको मिलेगा और सबसे बेस्ट पार्ट ये है गाइज अगर आप इनमें से कोई भी तीन प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको ये बेबी का टाल, आप इसको क्या कहते हैं टाल कहते हैं जो भी है जो रैप करते हैं बच्चों को, वो आपको इसके साथ में फ्री मिलेगा। पर जब आप तीन प्रोडक्ट लेंगे तभी आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ कैसा दिखता है ये। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट दिखता है। ऑलराइट, सो ये टाल आप देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट है। यस, उनके हेड के लिए भी इसमें सेक्शन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये प्रोडक्ट। यस, ये टाल काफ़ी बड़ा है गाइस। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे ये मेरे पूरे हाथ के इतना बराबर है। राइट, सो ये टाल आपको तभी मिलेगा जब आप तीन प्रोडक्ट एक साथ में आप इसे खरीदते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो अगर आप अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं, उनकी स्किन को नरिश रखना चाहते हैं, उनकी स्किन की जो लिपिड है उसको बरकरार रखना चाहते हैं सो बेबी ओ कैटेगरी आपको डेफिनेटली लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ओके, और ये आपके बच्चों के लिए सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ओके गाइस, सो इसकी जो प्रोडक्ट के जो प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कोड के साथ में। और अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस है या कुछ है आप मुझे इस वीडियो पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।